लखनऊ में यजदान बिल्डर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के प्रयाग नारायण रोड पर सरकारी जमीन पर बने 6 मंजिला फ्लैट को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्राधिकरण के अफसरों की निगरानी में की जा रही है। प्राधिकरण की तरफ से साल 2016 से ही सरकार जमीन पर बन रहे फ्लैट को सील और ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित थी। प्राधिकरण के तमाम अफसरों की निगरानी में सरकारी जमीन पर बने फ्लैट को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई की जा रही है। यजदान बिल्डर पर कसा शिकंजा, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, 6 मंजिला फ्लैट को ध्वस्त करने की कार्रवाई। 2016 में फ्लैट को किया गया था सील, सरकारी जमीन पर फ्लैट बन रहे थे प्रयाग नारायण रोड पर। आज की डेट में जो मेरे संज्ञान में मेरे कार्यकाल के बाद देखा गया उसमें इसके पहले भी ध्वस्तीकरण हुआ था। पूर्व वीसी के कार्यकाल में ध्वस्तीकरण कराया गया था, लेकिन पूरे बिल्डिंग के कुछ भाग को जितना तोड़ा जा सकता उतना तोड़ा गया, लेकिन पूरी की पूरी ध्वस्तीकरण को 100% अंजाम देने के लिए आज से काम शुरू। सर, सवाल ये है कि लगातार प्राधिकरण की तरफ से ऐसे तमाम जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहां पर नोटिस जारी होता है, सीलिंग के आदेश होते हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई नहीं होती और उसका नतीजा ये कि इतने बड़े अपार्टमेंट बन जाते हैं और लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ढेर सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं धरातल पर पिछले 4 महीनों में। मैक्सिमम सीलिंग की कार्रवाई की गई है, अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, FIR भी दर्ज कराई गई है। राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बार फिर बड़ी कार्रवाई यजदान बिल्डर पर देखने को मिल रही है। आप तस्वीरों में देखिए, 2015 से इस फ्लैट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 15 से लेकर आज 2022 हो चुका है और अब जब ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जिस ज़मीन पर इस फ्लैट का निर्माण किया गया वो ज़मीन नजूल की थी, यानी कि सरकारी विभाग लखनऊ विकास प्राधिकरण की थी, अब अधिकारियों नींद से जागे हैं और उनकी आँख खुली है और ये अब कन्फर्म होने के बाद अब इसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। हालाँकि मार्च में भी इसके कुछ हिस्से को तोड़ने का प्रयास लखनऊ विकास प्राधिकरण तरफ से किया गया था, लेकिन जो बिल्डर यजदान है वो हाईकोर्ट गए और वहाँ पर उनकी याचिका पड़ी हुई थी और अब जब याचिका खारिज हो चुकी है तो फिर से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल वही है कि 2015 से लेकर 2022 तक का ये जो लंबा सफ़र था, इस पूरे बीच में तमाम इंजीनियर रहे होंगे, तमाम अधिकारी रहे होंगे, क्यों किसी अधिकारी की नज़र इस पूरे मामले पर नहीं पड़ी? हालांकि जो पूर्व में विहित प्राधिकारी ऋतु सुहास थी, उन्होंने ज़रूर इसके ध्वस्तीकरण की और सील की जो कार्रवाई है उसे प्रेषित किया था, लेकिन ज़मीन पर वो कार्रवाई नहीं उतर पाई थी। और अब जब अधिकारियों को इस बात का पता चला है कि जिस ज़मीन पर इस फ्लैट का निर्माण किया गया है वो ज़मीन लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग की है, तो अब इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। कैमरा राहुल चौहान के साथ में अनिकेत तिवारी, लखनऊ। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनिकेत, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे और आप बता रहे थे किस तरह से अब एक्टिव मोड में प्रशासन और कार्रवाई की जा रही है। क्या समय सीमा है, क्या कह रहा है प्रशासन, कब तक इस अवैध निर्माण को गिरा दिया जाएगा और इस एक्शन से, क्योंकि कोई पहला मामला नहीं है अनिकेत, ऐसे मामले सामने आते हैं या कई मामले दब जाते हैं, कोई कड़ा संदेश जाएगा या नहीं? 2015 से निर्माण कार्य शुरू हो रहा था और 2015 से लेकर आज 2022 का समय हो चुका है और अब जाकर जब ये पता चला है कि जो जिस संपत्ति पर, जिस जमीन पर उसका निर्माण किया गया था वो सरकारी जमीन थी, नजूल विभाग की, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक डिपार्टमेंट है नजूल, उसकी वो जमीन थी जिसे अब ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि सवाल पूछा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे इंजीनियर उस समय रहे होंगे, उस कार्यकाल के दौरान रहे होंगे, हालांकि पूर्व में जो यहाँ पर जो अधिकारी थी ऋतु सुहास, उन्होंने उसको सील करने का निर्देश भी जारी किया था या इसके साथ ध्वस्तीकरण का भी आदेश पारित हो चुका था। हालांकि जो बिल्डर है उसकी तरफ से जो राहत, जो जो कोष में जो राशि है वो भी जमा की गई थी, 75 लाख के ऊपर की जो राशि थी उसे समन के रूप में जरूर जमा किया गया था, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से उसका मानचित्र निरस्त कर दिया गया था। उसके बावजूद भी निरंतर कहीं ना कहीं जो बिल्डर था वो निर्माण कार्य करता रहा और बड़ी संख्या में लोगों ने अपना पैसा भी उसमें पूजा इन्वेस्ट कर दिया। अब लोगों के सामने एक बड़ी समस्या ये है पूजा, कि जिन लोगों ने उसमें अपना फ्लैट लिया था, अब उनके सामने बड़ी समस्या कि आखिर उनके जो जो पैसे जो उन्होंने लगाए थे वो उन पैसों का क्या होगा? उन्होंने जो अपने सपनों को जो आसियाना जो जो सोचा था कि सपनों का आसियाना उन्हें मिलेगा, वो आसियाना धरातल पर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पूजा, यकीनन तौर पर ऐसे बिल्डरों की कारगुजारी से
लोगों में कहीं ना कहीं ना केवल लोग परेशान होते हैं और लोगों को धनहानि भी होती है। हालांकि जो अधिकारी है लखनऊ विकास प्राधिकरण का, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने उस पर फ्लैट लिए हैं उनके लिए भी कोई स्कीम लखनऊ विकास प्राधिकरण जरूर लेकर आएगा ताकि उनको कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। लेकिन यह सवाल जरूर पूछा, ये लगातार सामने आता है कि ऐसे तमाम वो बिल्डर राजधानी लखनऊ में हैं जो लगातार अनियोजित विकास करते हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा जिस तरह से साफ तौर पर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में भू माफियाओं के खिलाफ या सरकारी जमीनों पर जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसी क्रम में एक बड़ी कार्रवाई आज राजधानी लखनऊ में पूजा यजदान बिल्डर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से देखने को मिल रही है। लेकिन सोचिए अनिकेत, जो लोग अपनी पाई पाई लगा देते हैं एक अदद आशियाने के लिए, जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई लुटा देते हैं और जब इस तरह से हश्र होता है उनके पैसों का, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी? अब बिल्कुल देखिए पूजा, अगर बात की जाए ऐसे लोगों की जो अपना पैसा लगा रहे हैं, तो यकीनन तौर पर उनके लिए एक बड़ी समस्या जरूर रहती है कि जो लोग अपना पैसा लगाते हैं और उसके बाद जब ऐसे निर्माण जो अवैध होते हैं, जो सरकारी जमीनों पर बने होते हैं और वो जब ध्वस्त हो जाते हैं, तो लोगों का न केवल जो सपनों का आशियाना को जो उम्मीद होती है वो तो धराशायी होता ही है, उसके साथ उनके पैसे का भी नुकसान होता है। हालांकि अब आने वाले समय में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये प्रयास किया है कि पूरी तरह से पारदर्शिता इस पूरे मामले पर लाई जाएगी, जो भी सरकारी जमीनें या जो भी अनियोजित विकास राजधानी में किया जाएगा उसकी पूरी मॉनिटरिंग एक ऐप के माध्यम से की जाएगी ताकि आने वाले समय में लोगों को इस तरह की समस्याओं से निजात मिल सके। पूजा, ये यजदान बिल्डर जैसे कई नामचीन बिल्डर ऐसे अनिकेत होते हैं जो इस तरह की धांधलेबाजी करते हैं, घपले करते हैं, यानी नाम बड़े और दर्शन छोटे। बिल्कुल देखिए पूजा, अगर बात की जाए बिल्डरों की, यकीनन तौर पर ये बिल्डरों की कारगुजारी से लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमेशा से लोग दुचार होते हैं और बड़ी संख्या में देखा भी जा रहा है राजधानी लखनऊ में पूजा कि अनियोजित विकास तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर एक कोने में, हर एक गली में, आठ सात जोनों में लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूजा डिवाइड किया गया और इन सातों जोनों की अगर हालात और स्थितियां देख ले तो तमाम गलियों में, तमाम उन पंज गलियों में बड़े ऊंची इमारतें तंतु ही बनती हुई नजर आ रही है जो न केवल अनियोजित विकास को बढ़ावा दे रही है, इसके साथ पर्यावरण पर भी इसका खासा असर देखने को मिलता है। और जब ऐसे निर्माणों में लोग अपनी पूंजी निवेश करते हैं और फिर जब विभागों की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाती है तो बिल्डरों का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन नुकसान उनका जरूर होता है जिन लोगों ने अपनी पूंजी उन तमाम अवैध निर्माणों में निवेश की आती होती है। पूजा अनिकेत, लेकिन इसमें इस मामले में देखें तो ये तो प्रशासन की भी बहुत ढीला ढाला रवैया है कि उनको ये मालूम नहीं था कि सरकारी संपत्ति पर ये बन रहे हैं फ्लैट्स। बिल्कुल देखिए, ये सवाल जरूर पूजा लगातार घूम कर आता है क्योंकि 2015 में जब निर्माण हो रहा था उसके बाद से आज 2022 हो चुका है और पूर्व में जो यहाँ पर वीर प्राधिकारी ऋतु सुहास हुआ करते थे, जो मौजूदा समय में गाजियाबाद में एडीएम के पद पर तैनात है, उन्होंने इस निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई भी की थी और ध्वस्तीकरण के आदेश भी पारित किए थे। हालांकि जिस समय सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेश पारित हुए थे उसके दो साल बाद जो यजदान बिल्डर है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष पेश हुआ था, उसने जो अपनी आंखें लगाई थी, जो अपना जवाब दाखिल किया था, उसने बताया था कि 75,55,225 रुपए का जो समन जो कोष है वो प्राधिकरण में जमा किया गया। हालांकि मानचित्र निरस्त कर दिया गया था और बाद में जब जांच की गई तो पता चला कि सरकारी संपत्ति नजूल विभाग की जमीन पर उसका निर्माण किया गया है और अब जब चीजें सामने निकल कर आई है तो उसके बाद इसके पहले भी जो पूर्व में जो यहाँ पर जो उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी थे उन्होंने भी उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी, लेकिन जो यजदान बिल्डर था वो कोर्ट चला गया और वहां पर उसे फिलहाल इससे मिला था और आज जब उनकी याचिका जब उसे निरस्त कर दिया गया है तो आज फिर से लखनऊ विकास पार्टी की तरफ से कार्रवाई। शुक्रिया अनिकेत, इस खबर पर अपडेट लगातार देने के लिए।